मॉड्यूल 66 मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट हाँ जी इकोनॉमिक थ्योरी में हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एंड दैट मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली रिपोर्ट्स चेंज इन टोटल कॉस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन आउटपुट एंड वी कैन ऑल्सो कम्प्यूट दिस मार्जिनल कॉस्ट बाई कम्प्यूटिंग चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन आउटपुट जब हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं तो ये बेसिकली है क्या दिस इज बेसिकली रिपोर्ट द स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट कर और स्लोप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को ड्रा करें तो यहां पे एक एसोसिएशन होगी बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड लेवल ऑफ आउटपुट कि एज लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेज इट रिच इज एट एंड देन क्या होगा देन इफ देर इज इंक्रीज इन आउटपुट देन मार्जिनल कॉस्ट विल इंक्रीज जी एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज इंटरसेक्ट एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एट देयर मिनिमम जी जब मैं यहां पे एवरेज कॉस्ट की बात कर रहा हूं देन दिस इज द एवरेज टोटल कॉस्ट और फिर जब आप मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट की बात करते हो दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन आउटपुट बिकॉज ऑफ चेंज इन इनपुट और अब हम इन सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे फार बाई यूजिंग दिस पोथेटिकल टेबल दैट रिपोर्ट बेसिकली एसोसिएशन बिटवीन एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड इनपुट अब हम इस टेबल को यूज करते हुए कंप्यूट करेंगे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को हम लोगों ने डिफाइन क्या किया था कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज चेंज इन आउटपुट बिकॉज ऑफ चेंज इन इनपुट जी यहाँ पे मेरे पास इनपुट क्या है लेबर इन आवर्स वाइल आउटपुट इज एग्रीकल्चरल आउटपुट इफ वी मूव फ्रॉम जीरो टू वन देन देयर इज चेंज इन आउटपुट बाय वन यूनिट और अगर मैं लेबर के रेफरेंस में बात करूं तो यहां पे चेंज इन लेबर मेरे पास कितना हो रहा है इट इज इक्वल टू टेन एंड इफ वी डिवाइड चेंज इन आउटपुट विद चेंज इन लेबर तो मेरे पास क्या आ जाएगा इट इज इक्वल टू वन ओवर टेन और अल्टीमेटली ये होगा इट इज इक्वल टू पॉइंट वन जीरो हाँ जी अगर मैं इसी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को कंप्यूट करूं वेन वी मूव फ्रॉम कंबिनेशन ए टू कंबिनेशन बी देन मेरे पास चेंज इन आउटपुट कितना हो रहा है इट इज इक्वल टू टू वाइल चेंज इन लेबर आवर इज इक्वल टू सिक्स और अगर मैं टू को सिक्स पे डिवाइड कर दू टू मेरे पास क्या है चेंज इन आउटपुट वाइल चेंज इन लेबर इज इक्वल टू सिक्स इट इज इक्वल टू पॉइंटेशन के इस कॉलम में जितनी भी इंफॉर्मेशन पॉइंट फोरते हैं बाई डिंग चेंज इन आउटपुट वे बाई डिंग चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट फिर इसी पैटर्न पर अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है टू कंप्यूट दार्जिनल कॉस्ट हमने मार्जिनल कॉस्ट को डिफाइन किया था इट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन आउटपुट या हमने इसको डिफाइन किया था कि इट इज इक्वल टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ओवर चेंज इन आउटपुट कि व्हेन फर्म इज प्रोड फर्म इज प्रोड्यूसिंग जीरो यूनिट ऑफ आउटपुट देन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हंड्रेड और ये मुझे क्या इंडिकेट कर रहे हैं इट इंडिकेट दिक्स कॉस्ट दैट फार्मर

ज इन कॉस्ट चेंज इन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू थर्टीन वेन चेंटपुट आउटपुट इनक्रीजेस फ्रॉम वन टू थ्री चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू टू तो इसके क्या हो जाएगा चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू फिफ्टीन ये सारे इस कॉलो में जितने भी इंफॉर्मेशन अबाउट मार्जिनल कॉस्ट वी आर गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑन बाई डिवाइडिंग चेंज इन टोटल कॉस्ट विथ चेंज इन आउटपुट बिटवीन टू पॉइंट बिटवीन टू कंबिनेशन दैट आर बींग रिपोर्टेड इन दिस टेबल हां जी इस चीज को हम वेरिएबल कॉस्ट की बेस पर भी कंप्यूट कर सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो वेन फॉर्म प्रोड्यूसेज जीरो यूनिट वेन फ़ॉर्मर प्रोड्यूसेज जीरो यूनिट ऑफ आउटपुट हाँ जी फार्मर की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी इट इज इक्वल टू फिफ्टीन वेन प्रोड्यूस्ड वन यूनिट ऑफ आउटपुट हां चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट क्या है इट इज इक्वल टू फिफ्टी वाइल चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू वन तो इसके मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगीबल कॉस्ट विद चेंज इन आउटपुट वी कैन ऑबटेन मार्जिनल कॉस्ट फिर इसी पैटर्न पे वी कैन कंप्यूट दिस मार्जिनल कॉस्ट बाई बाई डिवाइडिंग चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट उटपुट इनक्रीजे फ्रॉम वन टू थ्री इस पॉइंट पे चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट क्या है इट इज इक्वल टू थर्टी और चेंज इन आउटपुट क्या हुआ वेन प्रोड्यूसर वेन फॉर्मर मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इट इज इक्वल टू टू और अल्टीमेटली ये क्या हो गया इट इज इक्वल टू फिफ्टीन अब यहां पर जो मार्जिनल कॉस्ट हमने कंप्यूट की है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो हमने कंप्यूट की ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट ये दोनों केसेस में क्या है वी आर गेटिंग दी सेम इंफॉर्मेशन अब यहां पे एक एसोसिएशन भी है बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट एज लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेस एंड इट रीच इज एट मैक्सिमम पॉइंट अगर मैं इस एक्सप्लेट लेवल ऑफ आउटपुट की बात करूं सिक्स पॉइंट फाइव यूनिट्स ऑफ आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम हाँ जी उसके बाद क्या हो गया मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट और एक और जो हम यहां पर एसोसिएशन शो कर सकते हैं कि एज लॉन्ग एज के जी एज लॉन्ग एज मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कि एज लॉन्ग एज मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रही है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग जी द पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट बिकम्स ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तब क्या होगा मार्जिनल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग हाँ जी कुछ यही एसोसिएशन हम देख सकते हैं विद रेफरेंस टू एवरेज टोटल कॉस्ट एज लॉन्ग एज मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगी इट विल डिक्रीज एज लॉन्ग एज मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट विल डिक्रीज और उसके बाद क्या हो जाएगा कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट बिकम्स ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट देन एवरेज टोटल कॉस्ट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग अब इसी चीज को हम इलेबोरेट करने के लिए हम इसी चीज को एक ग्राफ की फॉर्म में शो कर रहे हैं कि हम एग्रीकल्चरल आउटपुट को हॉरिजेंटल एक्सेस पे ले रहे हैं और कॉस्ट मेरे पास क्या है वी आर टेकिंग कॉस्ट ऑन वर्टिकल एक्सेस और यहां पे हमारे पास इस डायग्राम में तीन कर्व्स हम शो कर रहे हैं एक मेरे पास है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एक है मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट हाँ जी क्या सिचुएशन है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ आउटपुट रीच इज एट आ मिनिम पॉइंट और देन क्या हो गया तो देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग अप टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्रीजेस और उसके बाद क्या हो रहा है एवरेज टोटल कॉस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग और यही सिचुएशन हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के रेफरेंस में भी है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजिस ज एट अ मिनिमम पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और उसके बाद क्या हो गया इट स्टार्ट इनक्रीजिंग वो सारी बातें जो हमने अभी कही थी कि एज लोंग एज मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट आर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल डिक्रीज और इसके बाद क्या हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट बिकम्स ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और उस पॉइंट के बाद क्या बोथ एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग अब उसी पैटर्न पे हम यहां पे अब शो कर रहे हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट चेंज इन आउटपुट बिकॉज ऑफ चेंज इन लेबर हां जी क्या एसोसिएशन है कि इनिशियली विद इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लेबर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीजेस हाँ जी इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है देन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्रीजिंग ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस विद इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लेबर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीजेस और लेटर स्टेज में क्या हो रहा है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्रीजिंग अब अगर इस मैं इन दोनों डायग्राम्स को अगर एक ही स्लाइड पे शो करूं तो यहाँ पे फिगर वन में हम शो कर रहे हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अगेंस्ट डिफरेंट लेबर आवर्स और यहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्ट फिगर टू में वो या रिपोर्टिंग मार्जिनल कॉस्ट अगेंस्ट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट हाँ जी क्या शेप है यहां पे कि जी मैं कह सकता हूं कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज एन इन्वर्टेड वी शेप डायग्राम चले जी कि जब आप यहां पे वी में वी की शेप क्या है कि जी वी कुछ इस पैटर्न पे होता है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व मेरे पास क्या है मैं कह सकता हूं दिस इज मोर और लेस वी शेप डायग्राम लेकिन जब मैं लेबर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट की बात करूं ये क्या है दिस इज एन इन्वर्टेड वी शेप डायग्राम इस पर्टिकुलर केस में लेकिन मोस्टली हम क्या कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज अप करव वाइल मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज एन इनवर्टेड कर हाँ जी किस पॉइंट में आपके पास मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मैक्सिमम ऑब्जर्व हो रहा है दिस मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज मैक्सिम वेन फार्मर इज यूजिंग ट्वेंटी टू यूनिट और ट्वेंटी टू लेबर आवर्स और यहां पर लेवल ऑफ आउटपुट क्या है इट इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव लेकिन जब मैं फिगर टू में जाता हूँ तो वहां पे मार्जिनल कॉस्ट आपकी क्या है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू फाइव पॉइंट एट एट किस लेवल ऑफ आउटपुट के अगेंस्ट व्हेन फार्मर इज प्रोड्यूसिंग सिक्स पॉइंट फाइव यूनिट ऑफ आउटपुट द पॉइंट वेयर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम उसी लेवल ऑफ आउटपुट के अगेंस्ट आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी मिनिमम अब अगर हम इस सारे रिलेशनशिप को समराइज कर दें विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल आउटपुट और वो एग्रीकल्चर आउटपुट में हमारी जम्शन क्या है फार्मर इज मेकिंग प्रोडक्शन अंडर शॉर्ट रन तो हम कह सकते हैं कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज कन्वेक्स वाइल द मार्जिनल कॉस्ट इज कनकेव और जिस फार्मर पे जिस पॉइंट पे फार्मर की मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी उसी लेवल ऑफ आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फार्मर विल बी मिनिमम